नमस्कार, महा एमटीबी मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण आलोय दहिसर येथे. या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची प्रचार रॅली सुरू आहे. उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून पियुष गोयल हे यावेळेची लोकसभा निवडणूक लढवणार आहेत आणि आज आपण त्यांच्याशी खास बातचीत करण्यासाठी आलोय. नमस्ते पियुष जी. 35 साल का आपका पॉलिटिकल करियर है. आपकी माता जी भी यहाँ से एमएलए रही है. केंद्र में आपने बहुत ज्यादा काम किया. पार्टी के लिए आप हमेशा खड़े रहे. आज पहली बार खुद के लिए आप वोट मांगने के लिए यहाँ पे आए, तो कैसा अनुभव? घर मिलना चाहिए, अनुभव हमारे मोदी जी की गारंटी है. मोदी जी का घर में जल धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया. मोदी जी की गारंटी है. एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करके नेतृत्व में जो सेवा करने का मौका मिला, करने की संकल्पना पीयूष जी बहुत कुछ सीखा. लोक लाडले उम्मीदवार चुनाव में जनता जनार्दन के बीच जाके एक बार मैं समझता हूँ मैं और संवेदनशीलता से के सभी और अच्छा काम आदि कर सकूँ. आपके परिसर में आपको मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए पंतप्रधान मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी इस टैगलाइन के नीचे पूरे देश भर में प्रचार कर रही है. तो देश में तो आपने बहुत काम कर लिया है, सब लोगों ने देख लिया है, पर आज उत्तर मुंबई के लोगों के लिए आपकी क्या गारंटी होगी? देखिए, जब मैं आया तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ अस्पताल नहीं है. ऑलरेडी अपने 1000 बेड का प्राइवेट अस्पताल सरकार के हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी 20 तारीख को कमल के सामने नीला बटन दबा रहा है और देश में फिर से एक बार मोदी सरकार को सुनकर लाना है. मतदाता भाई और बहनों, मोदी जी की गारंटी देश का विकास, मोदी जी की गारंटी हर एक जनता को प्रगति के पथ पर लेकर जाना है. मोदी जी की गारंटी हर एक व्यक्ति की खुशहाली और यह गारंटी पूरी करने के लिए हमें फिर एक बार मोदी सरकार को चुनकर लाना है. उनका पुनर्वास मोदी सरकार को चुनकर लाने के लिए उत्तर मुंबई से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रचंड मतदान बनाना है. आपके परिसर में शक्ति नगर में आपका आशीर्वाद लेने, आपका अभिवादन करने नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी आए हुए हैं. मतदाता मत करना भूल, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल. याद रखिए, मतदाता मत करना भूल, सर. गोपाल शेट्टी जी ने पिछले दो टर्म यहाँ पे एज एमपी काम किया. पिछले टर्म में 2019 में वो 4.5 लाख मतों के मार्जिन से चुन के आए थे. तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपके लिए इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव बहुत आसान है. सामने जो भूषण पाटिल खड़े हैं वो भी नया फेस है, तो कहा जा रहा है कि बहुत ही आसान चुनाव है आपके लिए. तो आप इसको किस तरह देखते हैं? हमारे लिए सिर्फ चुनाव नहीं होता है, हमारे लिए मौका होता है जनता के बीच जाना, जनता की समस्याओं से बनना, जनता से जुड़ाव अपना बनाना. एक मौका है लोगों से संपर्क बढ़ाने, समाज के मुद्दा उनकी बातें समझने का और लोगों के साथ जुड़कर बहुत नए आइडियाज आते हैं. अब शायद लोकसभा नहीं लड़ रहा होता तो मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ पे उत्तर मुंबई में हॉस्पिटल की किल्लत है. भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है इम्पोर्टेंट है स्लम डेवलपमेंट को तेज करके. तो ये धार्मिक यात्रा है, चुनाव जीत जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना से मेरा भी बहुत मनोबल बढ़ रहा है. 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, इससे 2024 के चुनाव में मुंबई और देश में क्या अलग है आपको लगता है? एलईडी बल्ब के 10 बिजली और उससे उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी है. सर, एक आखिरी सवाल, आप अपने उत्तर मुंबई के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? सर्व रहवासी बंधु भगिनीनो, तुमची निशाणी आहे कमळ. आपला आशीर्वाद घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी च्या नरेंद्र मोदी सरकार मधील नेतृत्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आलेले आहेत. विकसित देश कमळ 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 नक्की होणार. तुमचं कमळ, आमचं कमळ, आपण दोघांचं निशाणी आहे कमळ कमळ कमळ. 20 मे कमळ निशान उत्तर मुंबई की एक पहचान. याद रखिए, 20 तारीख कमल 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 मतदान
देण्यासाठी ना केलं तर देशासाठी नुकसान होण्याची शक्यता आहे. माझा विनम्र अनुरोध आहे सगळं मतदार तुम्ही 100% मतदान द्या आणि प्रधानमंत्री मोदीजीला आशीर्वाद द्या. आपल्या परिसर लक्षात ठेवा 20 तारखेला निवडणुकीत सुखी आणि सुरक्षित लक्षात सर. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ. आपल्या सोबत होते केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून ते निवडणूक लढवत आहेत. कॅमेरामन साक्षात सावंत सोबत ऋत्वल नवले, मुंबई तरुण भारत.